टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास तीन कैंडिडेट हैं क्लासिकल के लिए। तो क्लासिकल तीन है एंड मैथमेटिकल छः है एंड फिर है कॉमर्स। इसके लिए अच्छा मैथमेटिकल पाँच है, ये पाँच है और ये मेरे छः हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पूछ रहा ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवार्डेड, यानी एक अवार्ड मुझे क्लासिकल का देना है, एक मैथ्स का और एक कॉमर्स में देना है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे। अब क्लासिकल के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, तीन चॉइस है। ऐसे मैथमेटिकल के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, फाइव, और कॉमर्स के लिए छः, यानी कितना हो गया, 90। ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज, यानी इनमें से एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। मान लिया कि इसमें से दी गई स्कॉलरशिप, इसमें से नहीं दी गई और इसमें से नहीं दी गई, इसमें स्कॉलरशिप, दिस इज़ केस वन। अगर इसमें से स्कॉलरशिप दी गई तो तीन, तो केस वन का आउटकम कितना हो गया, थ्री। केस टू, जब इसमें से हमने कोई अवार्ड नहीं दिया, कोई स्कॉलरशिप इसमें से नहीं दी गई, इसमें से मैंने स्कॉलरशिप दी और इसमें से मैंने स्कॉलरशिप नहीं दी, तो कितना हो गया, इसमें कितने, पाँच, तो टोटल आउटकम मेरे पाँच हो गए। केस थ्री, जब इसमें से नहीं दी, इसमें से नहीं दी और इसमें से स्कॉलरशिप देगी, तो इसमें छः हैं, तो टोटल आउटकम मेरे छः हो गए। तो जब भी केसेस बनेंगे इसका मतलब क्या है, या तो ये एग्जिस्ट करेगा या ये एग्जिस्ट करेगा या ये एग्जिस्ट करेगा, इनमें और आएगा ऐसे, तो और होगा तो हम इनका टोटल जो बोलेंगे हम प्लस करके बोलेंगे। टोटल क्या होगा, 11 प्लस 3 14, ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग्स व्हेन देयर आर फाइव फ्लैग्स। ये क्वेश्चन है, मतलब मेरा क्या है, मेरा मतलब ये है कि मेरे पास टोटल फाइव फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये मेरे पास पांच फ्लैग हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। और मुझे कम से कम दो फ्लैग यूज़ करने हैं एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो जब भी एटलीस्ट बोलेगा इसका मतलब क्या है, दो या फिर दो से ज़्यादा। तो केस वन हमने बोला व्हेन टू फ्लैग्स आर यूज्ड, दो फ्लैग्स यूज़ किए गए। तो फर्स्ट फ्लैग के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, इन पांच में से कोई भी एक आ सकता है। सेकंड में एक कम, यानी चार, तो यानी टोटल 20 सिग्नल जब दो फ्लैग होंगे, ठीक है ना। यानी पांच फ्लैग हैं, पांच में से कोई भी एक ले लिया, पांच चॉइस पहले फ्लैग के लिए और फिर चार चॉइस दूसरे फ्लैग के लिए। मतलब ऐसे समझो जैसे मैंने कहा, एक फ्लैग ऐसे रखा और इसके नीचे दूसरा फ्लैग ऐसे रखा। तो मान लिया मैंने कि ये रेड कलर का है ऐसे, और ये फ्लैग मेरा ग्रीन कलर का, तो ये सिग्नल हो गया। तो ऐसे ही जो अलग अलग कलर के हैं, तो यहाँ पर कौन सा कलर क्या आएगा, पांच में से कोई भी एक आ सकता है। जैसे मैंने रेड लिया, ऐसे यहाँ पे बच गए, जो पांच में से एक चला गया तो बच गए चार, उन चार में से एक, ठीक है। फिर केस टू,
when three flags are used. तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, यानी कितना 60 हो गया. फिर केस 3, when 4 flags are used, तब क्या होगा, पहले के लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो टोटल हो गया 120. फिर केस 4, when 5 flags are used, तो पहले के लिए 5, 4, 3, 2 और फिर 1, तो अगेन 120. तो टोटल कितने सिग्नल हो गए, टोटल हो गए टोटल सिग्नल्स, पहले थे 20, फिर 60, फिर 120, फिर 120, तो प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 240, फिर 300 प्लस 320, यानी 320 मेरा आंसर आ गया. अब क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, इफ 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस एंड 2 क्वेश्चंस हैव 5 चॉइस, फाइंड टोटल वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. तो अब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 3 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैं जिनमें 4 चॉइस है, ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 5 चॉइस है. तो आप ये समझो, जिन 3 क्वेश्चन में मेरे पास 4 चॉइस है, तो पहला क्वेश्चन उसको हम आंसर कर सकते हैं 4 वेज में. दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, फिर से 4 वेज, यानी अगर मेरे पास चॉइस ए बी सी डी है, तो इन चारों में से कोई भी एक मैं आंसर दे सकता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी यही होगा, और तीसरे के लिए भी यही 4 ऑप्शन होगा. अब बाकी 2 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास 5 चॉइस हैं, तो पहले क्वेश्चन के लिए 5, दूसरे के लिए भी 5, यानी ये हो गया 4 की पावर 3 × 5 की पावर 2, ये मेरा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 क्वेश्चंस हैविंग 4 चॉइस. ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस व्हेन एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, और सेकंड है व्हेन 1 और मोर इज करेक्ट. अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, 5 क्वेश्चन है, हर एक के 4 चॉइस है और कोई भी एक करेक्ट है, यानी ए बी सी डी, इन 4 में से कोई भी एक करेक्ट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस, 4 में से कोई भी एक टिक हो सकता है. सेकंड क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस, 3rd के लिए 4, 4th के लिए 4, 5th के लिए भी 4, यानी आंसर इज 4 to the power 5. अब सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहा है जब 1 or more options आर करेक्ट, तो किसी भी एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वेज, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन को आंसर करने के 4 वेज थे, तो ऐसे ही
किसी एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वे होंगे जब एक या एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो केस वन, व्हेन वन ऑप्शन इज करेक्ट, वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो उसके चार चॉइस हो जाएंगे। केस टू, व्हेन टू ऑप्शंस आर करेक्ट, तो उस समय कितनी चॉइस हो जाएंगी, उस समय चॉइस हो जाएंगी 4 × 3 / 2। 4 × 3 / 2 क्यों कह रहे हैं, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मैंने कहा ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, ये मैंने बोला, या तो ये हो सकता है या फिर ऑप्शन ए सी या ऑप्शन ए डी, तीन चॉइस ये है, या फिर बी। अब बी ए हम नहीं कहेंगे क्योंकि ए बी बोल दिया और बी ए बोल दिया, बात तो एक ही है, तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा। तो जब हम बोल रहे हैं 4 × 3, तो 4 × 3 में बी ए भी काउंट हो गया, तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ उसमें। यानी फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए मेरे पास 4 चॉइस हैं, दूसरा ऑप्शन चूज़ करने के लिए 3 चॉइस हैं, डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड क्यों किया, वो इसलिए किया है क्योंकि बी ए जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसमें 3 चॉइस बन गई, ऐसे ही बी से मेरे पास 3 चॉइस बनेंगी, बी ए, बी सी, बी डी, ऐसे ही सी से बनेगी, सी ए, सी बी, सी डी। तो अब आप ये देखो कि बी ए और ए बी एक ही मतलब है, सी ए और ए सी एक ही मतलब है, यानी दो दो बार काउंट हो रहा है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आंसर विल बी 6। या फिर अगर कॉम्बिनेशन लगाएं तो भी यही आएगा, 4C2, तो भी 6 आएगा। फिर केस 3, व्हेन 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट विल बी पहले के लिए 4, फिर 3, फिर 2, या फिर 4C3। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आएगा सिर्फ 4, क्योंकि 4C3, क्योंकि सेम वही रिपीट हो रहे होंगे, 4C3 को ओपन करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर केस 4, व्हेन 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1, यानी 4C4, दैट इज 1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के आंसर करने के टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज हो जाएंगे 4 + 6 10, 10 + 4 14, + 1 15। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड 15 वेज, सेकंड इन 15 वेज, थर्ड इन 15 वेज, फोर्थ इन 15 वेज एंड फिफ्थ आल्सो इन 15 वेज। तो आंसर इज 15^5, ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट numbers can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. First part, repetition. Not allowed. Second part, repetition allowed. Third part, even number, even number with distinct digits. Third part, fourth part,
odd number with distinct digits. तो हमने चार डिजिट का नंबर बनाना है ऐसे फर्स्ट पार्ट, और डिजिट्स क्या हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल मेरे पास 6 डिजिट्स हैं। तो रिपीटिशन फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 लेने से 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो चॉइस कितनी है 5, तो दिस कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज एक्सेप्ट बाई 0, 0 को छोड़ के। अब यहाँ पर 5 चॉइस चली गई तो यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, तो 6 चॉइस रह जाएगी, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5, 6 की पावर 3। ये मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है रिपीटिशन इज़ अलाउड। अच्छा, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं था, तो ये सेकंड पार्ट हो गया और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन आपको अलाउड नहीं है। तो अगेन अब इसमें देखो ये 4 हैं, तो यहाँ पर 5 वेज एक्सेप्ट बाई 0, 0 को छोड़ के। अब ये 5 वेज में फिल हो गई, तो टोटल मेरे पास 6 नंबर थे, तो 6 में से एक यहाँ चला गया, तो बच कितने गए 5, फिर 4, फिर 3, एक कम कर दो, तो कितना हुआ 5 × 5 × 4 × 3, यही मेरा आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में है इवन नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, थर्ड पार्ट, तो 1, 2, 3, 4। अब इवन नंबर कब होगा, या तो यहाँ 0 है, इवन नंबर के लिए हमारे पास नंबर्स क्या हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर है, तो इवन डिजिट होनी चाहिए या फिर 0 हो तो भी इवन है। तो इसमें दो केस बना लो, केस 1 व्हेन एंड विद 0, तो अब 0 से एंड हो रहा है, तो यानी ये वाली पोजीशन 1 वे में फिल हो गई है, तो रह कितने गए 5 रह गए, तो अब इनको दिस कैन बी फिल्ड इन 5, 4, और 3 वेज, तो यानी कितना हो गया 5 × 4 × 3 × 1, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा केस 1 का आंसर आया, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 है व्हेन डज नॉट एंड विद 0, डज नॉट एंड विद 0, यानी यहाँ पर 0 नहीं आएगा। दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, क्या क्या, या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, तभी इवन होगा। और यहाँ पर मैं 0 नहीं डाल सकता, तो अब मेरे पास 5 चॉइस थी, 5 में से एक नंबर चला गया, बच कितने गए, ये थे मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉइस, ये 6 चॉइस है, 6 में से एक यहाँ चला गया, बच गया 5, उन 5 में 0 शामिल है, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। और फिर अब बच कितने गए, 5 में से एक चला गया, तो बच गया 4, फिर से 4 वेज, और फिर 3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 4 × 4 × 3 × 2, तो इसकी वैल्यू मेरी आ गई 20 × 3 = 60, इसकी आ गई 16 × 3 = 48, 48 × 2 = 96, तो टोटल विल बी, जब भी केस बनेंगे तो प्लस हो जाएगा, 60 + 96 यानी 156 मेरा आंसर आ गया। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन ने बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए और डिस्टिंक्ट, तो केस 1 हमने बोला जब 0 से एंड हो रहा है तो वो इवन नंबर होगा, यानी दिस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, यानी मेरे पास यहाँ पर एक चॉइस 0, अब बच गए मेरे पास 5 डिजिट बची हैं, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 5, 4, 3, तो टोटल मेरा 60 आ गया। फिर केस 2 मैंने बोला कि जब 0 से एंड नहीं होगा, तो इवन नंबर के लिए मेरे पास ये दो चॉइस होनी चाहिए,
तो यानी यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज, बाय टू या फिर फोर। अब छः में से एक नंबर चला गया, बच गए पाँच। इन पाँच में इंक्लूड हो रहा है ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो रह गए चार। अब पाँच में से एक नंबर यहाँ चला गया, तो बच कितने गए, चार बच गए। तो यहाँ चार, यहाँ तीन, तो सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मेरा आउटकम आ गया। तो टोटल विल बी दोनों का प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5। फाइंड फर्स्ट पार्ट, नंबर्स हैविंग 3, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि एटलीस्ट 1, 3, कम से कम एक बार 3 आना चाहिए। तो मुझे ऐसे नंबर्स बताने हैं 4 डिजिट के जिनमें 3 कम से कम एक बार आए, ठीक है। When repetition not allowed, और second part में है numbers having 3, यानी at least 1, 3, when repetition is allowed। तो देखो, सबसे पहले 4 डिजिट का नंबर, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कह रहा है कि 3 आना ही आना चाहिए, तो उसमें आप क्या करो, उसमें होगा कि टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबिलिटीज़ या टोटल अरेंजमेंट्स, ऐसे कह दो, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस 3 does not appear once, उनमें से वो हटा दो जिनमें 3 नहीं आ रहा है, तो क्या बचेगा, वो बचेगा जिनमें 3 है पक्का पक्का। तो फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले टोटल क्या होगा, ये चार चॉइस है, यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। फिर 5, क्योंकि 6 नंबर हैं तो एक यहाँ चला गया तो 5 रह गया, फिर 4, फिर 3, ये तो हैं टोटल 4 डिजिट के नंबर जितने बन सकते हैं। और ऐसे जिनमें 3 आएगा ही नहीं, तो फिर से पहले तो यहाँ पर अब 3 आएगा नहीं, तो चॉइस मेरी क्या हो गई, 0, 1, 2, 4 और 5। तो इन पांच चॉइस में से 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो 4 वेज, फिर एक चला गया तो 4, फिर 3, फिर 2, तो यानी क्या हो गया, 5 × 5 × 4 × 3 माइनस 4 × 4 × 3 × 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो। के बाद सेकंड पार्ट में है कि रिपीटिशन जो है अलाउड है, तो टोटल अरेंजमेंट फिर से, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, 5 चॉइस, फिर 6 के 6 यहाँ हो सकते हैं, 6 यहाँ हो सकते हैं, और जब 3 नहीं आएगा, तो 3 नहीं आएगा तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो यानी 4 चॉइस, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो कितना हो गया, 5 × 6 की पावर 3 माइनस 4 ×
फाइव की पावर थ्री, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 आर देयर विच हैव exactly one of their digit as 7। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 यानी 100 और 1000 के बीच में, तो इनके बीच में जो भी नंबर होगा 3-digit नंबर होगा, तो 3-digit नंबर मुझे बनाना है जिनमें से एक डिजिट 7 होनी ही होनी चाहिए। तो केसेस बना लो इसमें। केस वन, व्हेन 7 इज एट यूनिट प्लेस, मतलब 7 जो है एग्जैक्टली 1 एक जगह होना चाहिए, ये नहीं बोला कि एक से ज़्यादा, एटलीस्ट नहीं बोला। तो 7 अगर यूनिट प्लेस पे है तो यानी यहाँ वन वे में फेल हो गया बाई 7। टोटल हमारे पास डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक, यानी 10 डिजिट होती हैं। तो 10 में से एक यहाँ चला गया 7, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर चॉइस क्या हो गई, मतलब एक चला गया 9 बचे थे, अब यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो 8 चॉइस। तो यहाँ पर 0 आ सकता है, तो 9 में से एक यहाँ चला गया, बच कितना गया 8। तो टोटल कितना हो गया, टोटल इज 8 × 8 × 1। केस टू, व्हेन 7 एट टेंथ प्लेस, तो ये हो गया ऐसे, यहाँ पर 7 है तो एक चॉइस बाई 7। अब फिर से यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कितनी हो गई मेरे पास, एक तो ही चला गया, तो 8 चॉइस बच गई। अब यहाँ 0 आ सकता है, तो 8 चॉइस, तो फिर से क्या हो गया, 8 × 1 × 8, यानी आ गया 64, ये भी आ गया 64। फिर केस थ्री, व्हेन 7 इज़ एट 100 प्लेस, ऐसे, तो यहाँ पर 7 यानी 1 चॉइस बाई 7। तो यहाँ पर अब टोटल मेरे पास 10 चॉइस हैं, तो उनमें से एक चला गया तो 9, और फिर एक चला गया तो 8, तो 1 × 9 × 8 दैट इज़ 72। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 64 + 64 + 72, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये हमने किया है जब डिस्टिंक्ट है, तो इसमें बल्कि आप ऐसे ले लो, केस वन, व्हेन डिजिट्स डू नॉट रिपीट, और केस टू, व्हेन डिजिट्स रिपीट कैन रिपीट। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है, इसमें केस वन, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये वन वे बाई 7, यहाँ 7 आ गया, टोटल मेरे पास 0 से 9 यानी 10 डिजिट है। अब यहाँ पर मेरा 0 नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 7 एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, तो 8 चॉइस हो गई, एक्सेप्ट बाई 0 एंड 7।
अब यहाँ पर ज़ीरो आ सकता है लेकिन सेवन नहीं आना चाहिए, तो नौ चॉइस हो गई। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्ट बाई सेवन, तो टोटल कितना हो गया, एट इंटू नाइन इंटू वन यानी 72। फिर केस टू ऐसे, अब यहाँ पर सेवन है यानी एक चॉइस बाई सेवन, तो यहाँ पर फिर से ज़ीरो नहीं आ सकता और सेवन भी नहीं आ सकता, तो एट चॉइस एक्सेप्ट बाई सेम यही लिख लेंगे, एक्सेप्ट बाई ज़ीरो एंड सेवन। फिर यहाँ पर नाइन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो भी आ सकता है, बस सेवन नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट बाई सेवन। तो फिर से क्या आ गया, एट इंटू वन इंटू नाइन यानी 72। फिर केस थ्री, जब थ्री डिजिट का नंबर है और यहाँ पर सेवन है यानी यहाँ पर सेवन है यानी वन वे बाई सेवन, तो यहाँ पर ज़ीरो आ सकता है, तो यहाँ पर सेवन को छोड़ के नौ चॉइस, यहाँ भी सेवन को छोड़ के नौ चॉइस, तो इन दोनों के लिए एक्सेप्ट सेवन, सेवन को छोड़ के कोई भी आ सकता है, यानी कितना हो गया, वन इंटू नाइन 81। तो टोटल क्या हो गया, टोटल इज 72 प्लस 72 प्लस 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट पार्ट, रिपीटिशन अलाउड सेकेंड पार्ट, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें फोर डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर और 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हमने बोला ये वाली प्लेस हम इससे फिल करें और इससे फिल करें, तो नंबर 1000 से बड़ा होगा, तो यानी यहाँ पर दिस कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज, किस किस से, बाई 1, 2, 3। अब रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर है, तो दिस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज, तो टोटल कितना आया, टोटल आया 3 × 5 × 5 × 5 यानी 375। अब इन 375 में इट इंक्लूड्स 1000, इसमें 1000 बन जाएगा क्योंकि जब मेरा यहाँ पर 1 है और रिपीट कर रहा है तो हो सकता है यहाँ 0, 0, 0 रिपीट किया हो, तो इसलिए 1000 इसमें शामिल है, तो मुझे 1000 से बड़ा चाहिए, तो मुझे 1000 लेस करना, माइनस करना पड़ेगा, यानी एक नंबर मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4000 नहीं होना चाहिए, 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 4000 तो हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, तो ऐसा नंबर हमने लिया ही नहीं जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम एक नंबर ये और इंक्लूड कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें 375 माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर तो वही है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में उसने बोला होता लेस देन 4000, अगर यहाँ पर उसने ये बोला होता नॉट, यहाँ बोला नॉट ग्रेटर देन 4000, अगर इसकी जगह उसने बोला होता
लेस देन 4000, तो मुझे सिर्फ 1 माइनस करना होता, प्लस 1 हम नहीं करते, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड, ऐसे। तो फिर से थ्री वेज, तो यहाँ पर अब एक कम हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितने, टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, कितने हो गए नंबर्स, 3 × 4 × 3 × 2, तो टोटल हो गया 72। तो बस 4000 इसमें हम लेंगे नहीं और 1000 इसमें आएगा नहीं, तो यही मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स एक्स सच दैट 0 < x < 1 can be formed where x is equal to p/q and pq belongs to 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें रैशनल नंबर्स बनाने हैं और x क्या है, 0 और 1 के बीच में, यानी रैशनल नंबर जो होगा वो फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी p हमेशा q से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो p अगर मेरा सपोज 1 है तो q मेरा क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 5 नंबर बन सकते हैं p/q, क्या क्या, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। p अगर मेरा 2 है तो q मेरा क्या हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, यानी 4 नंबर हो सकते हैं। p अगर मेरा 3 है तो q मेरा क्या होगा, 4, 5 और 6, तो 3 हो सकते हैं। q अगर 4 है, p सॉरी, p अगर मेरा 4 है तो q मेरा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी दो चॉइस, और p अगर मेरा 5 है तो q मेरा 6 होगा, यानी एक चॉइस। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी 9, 12, 12 + 3, 15। अब इन 15 में जैसे ये वाला देखो, यहाँ 2 है तो 2/4 विच इज़ 1/2, वो यहाँ भी काउंट हो चुका है, और ऐसी 2/6 विच इज़ 1/3 वो भी यहाँ काउंट हो चुका है, और ऐसे यहाँ देखो 3/6, यानी ऐसे नंबर्स जो 3 और 6 ये क्या है, को प्राइम नहीं है, तो उनको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी एक यहाँ पे एलिमिनेट होगा, एक ये वाला एलिमिनेट होगा, एक ये वाला एलिमिनेट होगा, और 4/6 यहाँ से 4/6, तो यानी टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, इनमें से 4 हम कर देंगे तो टोटल विल बी 15 - 4, तो 11 मेरा आंसर आएगा।